हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट नैप्स फॉर यू। लेट्स ओपन गेट्स ऑफ सक्सेस टुगेदर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और एप्टीट्यूड की सीरीज में हम कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, और प्रॉफिट लॉस के ऊपर हम एक वीडियो देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए अच्छे से। उसमें हम चार टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो दोस्तों, एक पर्सन सेल करता है दो मशीन्स एट ₹396 में। एट वन मशीन, एक मशीन पे कमा रहा है वो 10% का प्रॉफिट, और एक पे करा हो रहा है उसको 10% का लॉस। दोस्तों, तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस? तो दोस्तों, एक दो मशीन को बेचा है उसने 396 में, एक पे 10% का फायदा हुआ है और दूसरे पे 10% का लॉस हुआ है। तो एक्चुअली ये कितने का होता? हमने डिस्काउंट में भी इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, और वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताया था, मतलब हमने जनरल तरीके का, और वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर सेम हो रहा है तो आप उसका स्क्वायर बाई 100 करके उतने का लॉस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, 10% का लॉस है, तो आप उसका करके करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सेम है तो 4% का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, अदरवाइज हम इसको जनरल तरीके से अगर करने की कोशिश करते हैं 396 पे 10%। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पर्सन सेल करता है दो मशीन्स को 396 रुपीज़ में, एक मशीन पे कमाता है वो 10% प्रॉफिट और दूसरे पे होता है उसको 10% का लॉस। तो प्रॉफिट और व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस? तो दोस्तों, 396 में अगर हम प्रॉफिट वाला देखें तो चीज़ कितने की होगी दोस्तों, 360 की होगी। 360 की होगी तो क्या होगा, 360 पे अगर हम 10% का प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास चीज़ कितने की सेल होगी दोस्तों, 396 की सेल होगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप फाइव के क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, एक पर्सन सेल कर रहा है दो मशीन को 396 रुपीज़ में, एक मशीन पे वो 10% प्रॉफिट कमाता है और एक पे 10% लॉस। तो कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हमने डिस्काउंट में भी इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों, हमारे पास 396 में चीज़ है, बिकी है इतने में। तो दोस्तों, जिस पे फ़ायदा हुआ होगा 10% प्रॉफिट, वो कितने की निकाल सकते हैं आप, 360 की, क्योंकि 360 का 10% कितना होगा, 36, इतने की आ जाएगी। और जिस पे 10% लॉस हुआ है, तो ये 10% प्रॉफिट वाला है एक्चुअल कॉस्ट, और लॉस वाला दोस्तों 450 से कम हो जाएगा, तो 440 से बन जाएगा। 440 से आप 10% लॉस होगा तो 44 रुपीज़ कम कर देंगे तो चीज़ आ जाएगी। तो दोस्तों, एक तरीके से आप देख सकते हैं 360 और 440, हमारे पास चीज़ कितने की होगी दोस्तों, 800 रुपये की, जो हमारा टोटल प्राइस था। बट अभी आपने 396 में ही दोनों बेची हैं, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी 792। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं क्या हुआ है हमारे पास, हमें 8 रुपये का लॉस हुआ है, और 8 रुपये दोस्तों इसका कितना होगा, लॉस ऑफ 1%। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक पर्सन सेल करता है दो आर्टिकल एट ₹99, वन आर्टिकल पे वो अर्न कर रहा है 10% और इस पे 10% लॉस। आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, 99 में जो 10% प्रॉफिट पे सॉल्व हुआ बेचा होगा वो कितने का होगा दोस्तों, 90 रुपये का होगा, क्योंकि 90 पे 10% प्रॉफिट होके आपका 99 की जाएगी। और जिस पे लॉस हुआ होगा, अब आप भी बहुत जल्दी डायरेक्ट सोचने लग गए होंगे, तो 110 का होगा, 110 पे 10% कम करेंगे तो 11 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो 99 की चीज़ चली जाएगी। तो दोस्तों, एक तरीके से आपकी कॉस्ट कितनी थी, 90 प्लस 110, मतलब 200 रुपये का आपका आर्टिकल था, बट आपने दोनों को बेचा 99 में, तो दैट मीन्स आपने सेल कितने में किया है, 198 रुपीज़ में। तो इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, आपको 1% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी हम वो डिस्काउंट की सीरीज में भी किए थे, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर सेम हो रहा हो तो आप, जैसे 10% का है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बाई 100, और उतने का क्या होता है, हमें लॉस होता है। अगर 20% का प्रॉफिट होता, 20% का लॉस होता, तो 20 का स्क्वायर कितना होता, 400 बाई 100, तो मतलब 4% का लॉस हो जाता। बट दोस्तों, हम एक के लिए भी फॉर्मूला क्यों याद करें, अगर हम डायरेक्टली उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हद से हद 5 सेकंड फालतू लगे होंगे, बट हर क्वेश्चन के साथ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे दूसरे क्वेश्चंस में बहुत जल्दी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, प्लस क्वेश्चंस की हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। फॉर्मूला से हम कर रहे हैं बट हम उसका रियल सेंस भी समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ 36 बुक्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, तो प्रॉफिट कितना होगा? दोस्तों, कॉस्ट प्राइस देखिए, सपोज मैं 10 रुपये की एक बुक मान रहा हूँ, तो 10 रुपये की बुक मानूंगा तो मतलब 336 में हमने कितनी बुक खरीदी, कॉस्ट प्राइस हमारा एक बुक का अगर 10 है तो हमारे पास यानी 36 बुक का कितना होगा, 360 होगा। बट इट इज़ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, तो 30 बुक्स से आप किसे क्या करेंगे तो एक बुक का प्राइस कितना आ जाएगा, 12 रुपीज़। तो दोस्तों, 10 की चीज़ है और अभी कितने में जा रही है, 12 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20%।
नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व करके देखिए। कॉस्ट प्राइस क्या है? 18 आर्टिकल का सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। दोस्तों फिर वही 10 रुपये की एक चीज़ मान लो, तो चीज़ कितने की हुई? 180 की, 18 चीज़ें हुई, और 15 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक चीज़ की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 15 दाएँ 150 और 15 दूनी 30, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो 10 रुपये की चीज़ 12 में जा रही है, तो फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट ऑफ 36 पेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। तो दोस्तों हम 10 रुपये का पेन मानते हैं फिर से, तो 120 पेन होंगे। अब 8 पेन उतने में सेल कर रहे हैं, तो एक पेन कितने का आ जाएगा दोस्तों? 15 रुपये का आ जाएगा। तो अभी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 की चीज़ 15 में जा रही है, तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है? 20 टेबल के बराबर है। तो डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15 का मतलब कितना? 10 रुपये की एक टेबल मानेंगे तो 150, और 20 टेबल का आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितने की आएगी दोस्तों? 7.5 की एक टेबल। तो एक्चुअली में आपको क्या हो रहा है भाई, आपके डेढ़ जो 10 रुपये की टेबल थी और अभी कितने में जा रही है? 7.5 में जा रही है। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है, ये बात हमें समझ में आ रही है क्वेश्चन पढ़ के। और लॉस कितना हो रहा है दोस्तों हमारा? 25%। अगर 10 की चीज़ 25 में जा 7.5 में जा रही है तो 2.5 रुपये का लॉस हो रहा है, और 2.5 रुपये उसका कितना है? 25% है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अब देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिए आराम से। क्वेश्चन क्या है? 6 आर्टिकल्स आर परचेज्ड एट ₹5। मतलब आपने 6 आर्टिकल खरीदे हैं कितने रुपए में? 5 रुपए में। अब आप 5 आर्टिकल बेच रहे हैं और कितने रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों? 6 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट देखना है कितना। अब आप क्या कर रहे हैं, 6 रुपए आप ले रहे हैं बट कितने रुपए में बेच रहे हैं एक आर्टिकल? 5 बेच रहे हैं 6 रुपए में 5। अब दोस्तों फॉर्मूले की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कभी कभी देखिए यहाँ पे सेम है कि 5 रुपये में 6 लिए और 6 में 5 बेचे। हो सकता है ऐसा बोल दे 5 में 8 लेंगे और 8 में 7 बेचेंगे, कैसे भी कर सकते हैं हम। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो दोस्तों एक बार इसके जनरल अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाए करेंगे। तो पहले इसको आराम से समझते हैं। 5 रुपये की चीज़ है दोस्तों 6 में जा रही है, 5 रुपये में सॉरी 6 चीज़ें ले रहे हैं। सपोज 5 रुपये में 6 टॉफ़ी आ रही हैं बट मुझे बेचते हुए 6 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचनी है। तो आप पैकेट्स बना लीजिए बेचते हुए, जैसे मैं सेल कर रहा हूँ तो एक पैकेट में मैं कितनी टॉफ़ियाँ रख रहा हूँ दोस्तों? 5 टॉफ़ी रख रहा हूँ। तो हम टॉफ़ी उतनी खरीदें, जैसे 5 की 6 खरीदूंगा तो अभी पैकेट पूरा बन नहीं पाएगा। तो दोस्तों अगर मैं 25 रुपये की टॉफ़ी खरीदूँ तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी आ जाएंगी दोस्तों? 30 टॉफ़ियाँ आ सकती हैं। तो मैं एक पैकेट में कितनी टॉफ़ी बेचनी है मुझे? 5-5 करके टॉफ़ी बेचनी है। तो आपके पास 30 टॉफ़ी हैं तो कितने पैकेट बन जाएंगे? 6 पैकेट बन जाएंगे। तो अगर आप यही 30 पैकेट अब जो बेचते हुए आप कर रहे हैं तो एक पैकेट कितने रुपए का बेच रहे हैं आप दोस्तों? इस 30 टॉफ़ियों से आपको कितने पैकेट्स बन जाएंगे? 6 पैकेट बन जाएंगे। एक पैकेट आप कितने रुपए में बेच रहे हैं? 6 रुपए में। तो आपके टोटल कितने में बिकेगा? 36 में। तो देखिए 25 की चीज़ अगर 36 में जा रही है तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों? 11 रुपए का। अब 25 का आप 11 निकाल सकते हैं कितने परसेंट है। अब आपको आंसर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, 25 चौका 100, मतलब 25 का 10% कितना होता है? 2.5। तो 40% कितना हो जाएगा? 10 रुपी। बट 1 रुपये अभी भी ज़्यादा है, तो 1 रुपये आपको 0.25 कितना होगा दोस्तों? 2% होगा, 0.25 होगा सॉरी 1%। तो 4% हो जाएगा 1 रुपये। तो टोटल आंसर आप निकाल भी सकते हैं, 44% आ जाएगा। जब हमने परसेंटेज की वीडियो में देखा था तो हमने बहुत पॉइंट्स में कितना भी डीप तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों कई बार सॉल्व करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको 11 का फायदा हो रहा है। आप देखेंगे तो ऑप्शन में से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 5 रुपी, 5 आर्टिकल फॉर 4 रुपीज। दोस्तों हमने 4 रुपये में क्या किया है? 5 टॉफ़ी खरीदी, आप ऐसा समझिए, और एंड सोल्ड की है 4 आर्टिकल्स एट फॉर 5 रुपीज। मतलब कि आपने 5 रुपये में बेचे कितने हैं? 4 टॉफ़ी बेच रहे हैं। तो दोस्तों हमें बेचते हुए कितने का पैकेट बनाना है? 4 का। तो हम उतनी टॉफ़ी खरीदेंगे, तो अगर हम 20 टॉफ़ी खरीदें तो हमारी कितने रुपये में आएंगी दोस्तों? 20 टॉफ़ी 16 रुपये में हम 20 टॉफ़ी खरीद सकते हैं। अब एक टॉफ़ी बेचते हुए हमें 4-4 का बंडल बनाना है, तो मतलब हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने बन जाएंगे दोस्तों? 5 पैकेट्स बन जाएंगे। एक पैकेट कितने रुपए में बेच रहे हैं आप? 5 रुपए में। मतलब 5 पैकेट कितने रुपए में बिक जाएंगे? 25 रुपीज़ में। अब आप देख सकते हैं दोस्तों फ़ायदा कितने का हो रहा है हमें? 9 रुपये का। अब 16 का आधा कितना होता है? 8। तो मतलब 50% से ज़्यादा ही है, फिर भी आप देखेंगे तो ऑप्शन एक ही मिलेगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 8। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, विनेस सोल्ड कर रहा है एक वॉच को 75 रुपये में, बिकॉज ऑफ विच ही गॉट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस।
व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? दोस्तों 75 रुपये में खरीद रहा है वो और उसको प्रॉफिट हो रहा है इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों एक बात तो है कि चीज़ तो कम की थी, क्योंकि दोस्तों 75 रुपये में खरीदने में उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस देखिए, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब अगर आप देखें फिर क्या होगा कॉस्ट प्राइस, तो अगर आप 50 देखें, 50 ही कॉस्ट प्राइस था और इसका 50% प्रॉफिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन से आप एकदम लगा सकते हैं कि उसका प्राइस कितना होगा, 50 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अमन सेल करता है एक बुक को एट ₹144। इफ ही हिज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अब दोस्तों देखिए 144 में बेच रहा है और 144 में बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, जितने उसका कॉस्ट प्राइस था। तो देखिए दोस्तों प्राइस कितना होगा उसका, 80 होगा। आपको टेबल्स अच्छे से याद है, आपको पता है प्रॉफिट चाहिए, चार बीच में आ रहा है, कुछ ना कुछ डिजिट्स वैसे ही होगी। देखिए 90 का 90% करेंगे तो 81 आएगा, वो हो नहीं रहा है। 80 में 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है। 80 में 64 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80। इसमें देख सकते हैं आप, चार ऑप्शन अलग थे, मतलब चार ऑप्शन कम ही थे, ऑप्शन की चांसेस थे, बट जैसे आप किसी भी एक ऑप्शन पे ट्राई करेंगे, बीच का ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। अगर मैं ट्राई वाले मेथड में जाता हूँ, अगर कि मतलब डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है तो ट्राई हम करते हैं, तो ऐसा करते हैं जो एक बीच की वैल्यू, सपोज आप 90 पे करते हैं तो फिर एक्सट्रीम चेक कर रहे हैं ना आप, 80 चेक कर लीजिए। अगर अभी भी कम रह गया तो यह आंसर होगा, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आंसर नीचे होगा, और अगर कम रह गया होगा तो आंसर ऊपर होगा। टाइप 9 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 9 के क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक पर्सन परचेस कर रहा है 7 oranges in 3 rupees। आराम से समझते हैं, 3 रुपये में कितने ऑरेंज परचेस कर रहा है दोस्तों, 7 ऑरेंज परचेस कर रहा है। एट वॉट रेट ही शुड सेल 100 oranges कि उसको प्रॉफिट कितना परसेंट का हो दोस्तों, 33% का हो। अब यहाँ से आप 100 बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। आप ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, 300 रुपये में कितने परचेज हो जाएंगे, 700 oranges हमारे पास आ जाएंगे। ओके दोस्तों, अभी प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, 33%। अब देखिए 300 का 33% कितना होगा दोस्तों, 3 1% है तो 33 कितना हो जाएगा, 99। मतलब उसको कितने रुपये में बेचना चाहिए दोस्तों, 399 रुपये में सेल होने चाहिए उसके टोटल ऑरेंजेस, बट हमें चाहिए 100 कितने में बेचने हैं। तो दोस्तों हमारे पास हैं 700, 700 का मतलब अगर आपके लिए 100 के लिए चाहिए तो आप इस चीज़ को किससे डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए में एक बेचना चाहिए, तो 7 से आप इसको करेंगे जो 7 5 जा 35, 7 5 35 हो जाएगा और 4 बचा 7 7 49, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 57 आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आराम से आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझोगे एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रमन परचेज कर रहा है 20 articles for 25। दोस्तों 20 आर्टिकल लिए हैं, कितने रुपए में लिए हैं, 25 रुपये में। 25 रुपये में कितने खरीदे हैं, 20। एंड ही सेल्स 15 articles for 18। वो क्या कर रहा है दोस्तों, 18 रुपये में कितने बेच रहा है, 15 आर्टिकल बेच रहा है। जैसा हमने क्वेश्चन किया था तब मैंने बताया था, ए बी वाला वो ऐसा होता है, ए बी लेके बी ए में बेच रहे हैं और यहाँ ए बी लेके सी डी में बेच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है दोस्तों, सेम पैकेट्स खरीदने हैं। अभी हमें 20 टॉफ़ी मिल रही हैं और ये 15 टॉफ़ी मिल रही हैं। एक काम करते हैं, हम 60 टॉफ़ी ले लेते हैं, तो 20 दिया 60 होगा तो 25 दिया 75। 75 रुपये में हमारे पास कितनी टॉफ़ीज़ हमें मिल जाएंगी दोस्तों, 60। अब हमें पैकेट कितने का बनाना है, 15 का, तो हमारे पास कितने पैकेट्स बन जाएंगे दोस्तों, 4 पैकेट बन जाएंगे। और एक पैकेट कितने का बेच रहा हूँ मैं, 18 का, तो 18 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 72। तो आपकी 75 रुपये की टॉफ़ी थी और बिकी कितने में, एक्चुअली 72 में बिकी हैं, तो हमें लॉस हुआ है 3 रुपये का। बट इसने 3 रुपये का नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा इसने लॉस कितने का हुआ है। अब देखिए ये प्रॉफिट कट गया, ये प्रॉफिट कट गया, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3% कितना होगा 75 का, 0.75 होता है 1%, तो 3 कितना हो जाएगा, 4%। तो 4% का क्या हुआ है दोस्तों, लॉस हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए कितने रुपए में कितने बेच रहे हैं, आप उस पेयर बना के करेंगे तो बहुत जल्दी, अगर आपकी परसेंटेज पे पकड़ है तो आप इस क्वेश्चन को 10-10 सेकंड में हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो वीडियो वॉच कीजिए, उसमें बहुत आराम से मैंने सारा कुछ डिटेल में समझाया। तो दोस्तों इसका लास्ट टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, टाइप 10 के क्वेश्चन लिए मैंने, कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 5:6। अगर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं किया तो पहले उसको कर सकते हैं हम जाके, जिससे कि रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से होगा तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, बट हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए रेशियो में क्या है इसका, 5 और 6 का है, तो आप क्या कर सकते हैं, 50 की चीज़ कितने में सेल हो रही है दोस्तों, 60 में हो रही है, ऐसा समझ सकते हैं। तो 50 की 60 में सेल होगी तो प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है, 10 रुपये का, और 10 50 का कितना है, 20%। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप इसको 50 में भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 5 की चीज़ 6 में जा रही है तो कितना हो रहा है, 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20%।
अगर आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, रेशियो का मतलब हमने रेशियो में यही अच्छे से समझा है, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 100:6 का मतलब कितना हो जाएगा 120, स्टिल इट इज़ 5:6, तो 100 की चीज़ 120 में जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना है, 5:4 का है। तो दोस्तों 50 की चीज़ है और कितने में जा रही है, 40 में जा रही है, कितना नुकसान हो रहा है 10 रुपये का, और 10 रुपये कितना है 50 का, तो 50 का कितना है दोस्तों 20% है। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20% हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम है, कितना है दोस्तों 8/5 टाइम ऑफ इट्स सीपी। तो दोस्तों कैसा सोचना चाहिए हमें कभी भी, अगर हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, बाई फाइव हो रहा है ना, तो आप मान लीजिए 500 समझ लीजिए, 500 से आप डिवाइड कर रहे हैं अगर बाई फाइव में, 8/5 टाइम्स है अपने कॉस्ट प्राइस का, तो बाई फाइव मतलब एक हिस्सा कितने का आएगा दोस्तों 100 रुपये का, तो 8/5 टाइम होने का मतलब वो कितने का है एक्चुअली उसका 800। तो 500 की चीज़ 800 में जा रही है दोस्तों, कितना प्रॉफिट होगा, तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं कितना आएगा 300 रुपये, और वो उसका कितना होगा 60% होगा। दूसरा तरीका कोई चीज़ दोस्तों क्या है, अगर आप 5 हिस्से कर रहे हैं, तो 5 हिस्से अगर आप कर रहे हैं और आपको बेच कितने में रहे हैं आप 8/5 में, मतलब आपने टोटल हिस्से किए थे 5, बट आप उसको 8 में बेच रहे हैं, मतलब 8 हिस्से करके बेच रहे हैं, तो आपको 3 हिस्सों का फ़ायदा हो रहा है, और अगर चीज़ टोटल 5 थी तो 3 हिस्से कितने होंगे दोस्तों उसका 60% होंगे। ये आप डबल कर सकते हैं, 10 चीज़ थी और 16 कर रहे हैं, तो 10 चीज़ें बेच रहे हैं कितने टाइम में, 16 के अकॉर्डिंग, तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है 160% का, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज 160 है। अगर वो खाली पूछे उसका टाइम कितना है तो 160 भी हो सकता है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसमें लगभग हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे परसेंटेज पे, परसेंटेज के हमें सबसे शुरू में करने चाहिए थे, बट परसेंटेज मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि उसमें केवल परसेंटेज ही निकालने को आएगा, तो हम इन दोनों को करते करते परसेंटेज को इतना अच्छे से कर चुके हैं कि हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपकी परसेंटेज पे डायरेक्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियोज़ अच्छे से पसंद आए होंगे, जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उन पर काम करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और 2-3 वीडियोज़ हम देखेंगे परसेंटेज के ऊपर, और इस पूरी सीरीज़ को फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और एप्टीट्यूड के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए थोड़ा टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।